तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब, और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों आपको मिलेगा टीआरसी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनली टीआरसी की ओर से मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे वर्ग एक की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, तो कैसे देखना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे वीडियो में। लास्ट तक जो बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है TRCMPOnline.gov.in। गूगल पर सर्च करेंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल जिस पे भी हो, आपको केवल TRCMPOnline.gov.in ही सर्च करना है। यहां पर आप आएंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश DPI वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, जिसमें दोस्तों यहां पर वर्ग एक उच्च माध्यमिक वाले सेक्शन पे आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो वर्ग एक से संबंधित दोस्तों यहां पर आपको जानकारी आ जाएगी, जिसमें दोस्तों यहां पर आप सभी कैंडिडेट को पता है कि 30 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक आपके यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं उन सभी कैंडिडेट की 4 नवंबर आज की डेट में ही दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पर बाकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, या फिर जरा से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, और यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया है दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारिणी। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर यदि आप पोस्टों का विवरण देखना चाहें तो ये पहले का है, इसको यदि आप चाहें तो चेकआउट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को ये जारी हुआ था, जिसमें दोस्तों यहां पर आपको जो पोस्टें बताई गई थी वो आप देख लीजिए। केमिस्ट्री की यहां पर टोटल 263 है, इकोनॉमिक्स की 96 है, इंग्लिश की यहां पर 919 पोस्टें हैं, हिस्ट्री की 96 है, मैथ्स की यहां पर 689 पोस्टें हैं, और साथ ही दोस्तों यहां पर पॉलिटिकल साइंस की 156 पोस्टिंग यहां पर दी गई है। बाकी भी दोस्तों यहां पर इसके पहले के आपको जानकारी में रीड आउट करने के लिए ये चीज मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको निर्देश क्या, यदि आप चाहें तो निर्देश क्या भी यहां पर आप देख सकते हैं। ये भी निर्देश क्या 3 अक्टूबर को यहां पर अपलोड हो चुकी थी, जिसमें दोस्तों यहां पर आपको किस तरीके से क्या क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही रीड आउट करा चुका हूं, पहले ही हम आपको चेकआउट करा चुके हैं। तो ये सारी चीजें भी यदि आप देखना चाहें, निर्देश क्या देखना चाहें, तो इसको भी आप यहां पर रीड आउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहां पर डॉक्यूमेंट सत्यापन की, जिले की और दस्तावेज सत्यापन हेतु यहां पर मेरिट या चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो दोस्तों यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी। यहां पर मान लीजिए जैसे हम हिंदी की बात करते थे, हिंदी आपको यहां पर सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट में। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जिस भी आप कैटेगरी से, मान लीजिए यहां पर आप जनरल की बात करते हैं तो जनरल का कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों, यहां पर जनरल का कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ में दोस्तों यहां पर हम आपको इससे संबंधित जानकारी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, ये आपकी कैटेगरी जनरल रहेगी। यहां पर आपका गेस्ट फैकल्टी यस और नो, यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको यहां पर यस नो है, ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी का यस नो है। और इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी क्लास है, क्लास है मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ट है, यहां पर आपका सब्जेक्ट दिया गया और ये आपका जेंडर मेल फीमेल है। तो बात करेंगे सबसे पहले लिस्ट जो आपकी उठाई गई है वो है 123.2443 पर। यहां पर आप देख लीजिए गेस्ट फैकल्टी में यहां पर नो है, मतलब यहां पर नॉर्मल कैंडिडेट है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यहां पर मेल कैंडिडेट है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जरा से हम नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी कैटेगरी में, कैटेगरी में दोस्तों यहां पर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट में यदि आप गेस्ट फैकल्टी वाले हैं तो गेस्ट फैकल्टी पुरुष की जो आपकी लिस्ट गई है वो आपकी गई है यहां पर 107.82 पर, जिसमें दोस्तों यहां पर आप नाम देख सकती है। महिला की बात करें गेस्ट फैकल्टी में तो महिला कैंडिडेट कि यहां पर गेस्ट फैकल्टी में गई है जो लिस्ट है वो है 107.82 पे। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड की है वो आप देख लीजिए, यहां पर 91.22 जनरल की यहां पर आपकी लिस्ट गई है जिसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ये गेस्ट वाला ऑप्शन है और ये आपका यहां पर फिजिकल का है। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम नॉर्मली महिला कैंडिडेट की बात करें गेस्ट में तो यहां पर महिला कैंडिडेट गेस्ट की आपको यहां पर 107 पे गई है। नॉर्मल विदाउट गेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर
विदाउट गेस्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसमें देख लीजिए, ये आपका नो है, यहाँ पर आपका यस दिया गया है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो नॉर्मल कैंडिडेट की 108.87 पर यहाँ पर लिस्ट गई है, नॉर्मल कैंडिडेट विदाउट गेस्ट वाली मध्य प्रदेश के मूल निवासी की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पुरुष में बात कर लेते हैं, तो पुरुष में नॉर्मल कैंडिडेट की यहाँ पर हम देख लेते हैं, सारी महिला महिला कैंडिडेट ही। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर समथिंग आपकी 114.65 पे आपकी ये हिंदी की लिस्ट गई है। यहाँ पर आप अपना देख लीजिए, ये नाम दिए गए हैं, सभी के नाम दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से चाहे, जिस भी कैटेगरी से चाहे, ओबीसी से बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ओबीसी की भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगी। ओबीसी में दोस्तों यहाँ पर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो नीचे जरा से आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टोटल 194 कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। गैस फैकल्टी में यहाँ पर गई है आपकी 103.66 पर, और विदाउट गेस्ट में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, तो विदाउट गेस्ट में ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की गई है यहाँ पर 104.71 पर। महिला कैंडिडेट में बात पुरुष कैंडिडेट में हम बात करें यदि, तो आपकी पुरुष कैंडिडेट में फिजिकल हैंडीकैप्ड, और इसके बाद पुरुष कैंडिडेट में फिजिकल हैंडीकैप्ड, मेल कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ये 106.78 पर दोस्तों यहाँ पर आपकी लिस्ट गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप बाकी भी जिसकी भी आप देखना चाहें, यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे मैथ्स की, मैथ्स की करें दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज वाइज, तो मैथ्स में यहाँ पर हम जनरल की देख लेते हैं, जनरल मैथ्स में यहाँ पर हम 4 करते हैं और इसको कैप्चा कोड को डालते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैथ्स में जनरल की जो लिस्ट गई है वो आपकी यहाँ पर देख लीजिए विदाउट गेस्ट में है। गेस्ट में केवल एक ही कैंडिडेट यहाँ पर है, विदाउट गेस्ट में 90.87 पे जनरल की गई है, मतलब 90 पे ही दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है। मैथ्स में जो कैंडिडेट यहाँ पर है, गेस्ट में बात करते हैं तो गेस्ट में भी दोस्तों यहाँ पर 90.87 पर ही लिस्ट गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपको 8 डालना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैथ्स में भी दोस्तों यहाँ पर जो 75 नंबर हैं जिस कैंडिडेट की, वो भी यहाँ पर सिलेक्टेड है मैथ्स से ही, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दोस्तों यहाँ पर अब आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप जिले के हैं, आपको यहाँ पर सभी जिले दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मान के चले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आपके सागर जिले की, तो सागर जिले में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। किसी भी जिले को आप देख लीजिए, जैसे कि हम सागर जिला सर्च कर देंगे, सो शेड्यूल में जाते हैं, सो शेड्यूल में दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिक्सअप करके दिए गए हैं, चाहे आप ज्योग्राफी वाले हो, संस्कृत वाले हो, पॉलिटिकल साइंस वाले हो, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, जिला जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी या जिला आपका अधिकारी का ऑफिस है, वहां पर डीओ ऑफिस होता है, ये डीओ ऑफिस है। इसके बाद डिविजनल ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन सागर, तो दोस्तों आपका ये जेडीए ऑफिस है। यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, आपका ये जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है डीईओ, और ये आपका जेडीओ ऑफिस है। देख सकते हैं ये आपकी 14 नवंबर को दोस्तों स्टार्टिंग डेट दी गई है, 14 नवंबर को ही दोस्तों यहां पर सभी कैंडिडेट, यहां पर कुछ 11 तारीख भी दी गई है, तो 11 नवंबर भी आप देख लीजिए अपनी अपनी जगह दोस्तों, यहां पर आप सभी जगह की देख सकते हैं। ये ओवरऑल सभी जगह की है दोस्तों, यहां पर है 128 कैंडिडेट को यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जेडीओ ऑफिस में आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 11 तारीख दी गई है, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 14 तारीख भी दी गई है, तो यहाँ पर दो डेटों में आपके वेरिफिकेशन हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मान के चले हम जबलपुर की, तो जबलपुर को दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जबलपुर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 14 तारीख दी गई है, 14 के बाद 11 दी गई है, 11 ही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 11 और 14 आपको यहाँ पर टाइमिंग भी आपको दिया गया है, 2 बजे या फिर 10:30 बजे या फिर आपका 10:30, जो भी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन, आप बात करेंगे यदि वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में दोस्तों यदि आपकी फिलहाल तो लिस्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर मान के चलते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग रिक्तियाँ रिक्तियाँ ही आई हैं, बाकी यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट 27 अपलोड का यहाँ पर 20 तक अपलोड हुए थे, बाकी आपकी यहाँ पर कोई भी वर्ग 2 की जानकारी नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।